नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपना यूट्यूब चैनल यूपी किसान हमारा जान। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताए जाने वाले हैं पांच ऐसे टॉप गोभी की वैरायटी जो कि आप सभी को आप बरसात यानी कि अगस्त महीने में आप इनकी नर्सरी डाल के बुआई कर सकते हैं आराम से। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। फर्स्ट पहली हमारी गोभी आती है CFL 1522 जो सिजेंटा कंपनी की सबसे टॉप वैरायटी है। चाहे उसे आप गर्मी में लगाएं चाहे आप बरसात में लगाएं, एकदम आपको घूंघट में फूल दिखेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमने खुद लगाया था जैसे आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको गोभी के फूल की साइज दुधिया सफ़ेद देगी और रुपाई से 60 से 65 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग दे देगी और फूल की साइज होगी तो 1 किलो से साइज में आएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर बीज की बात कर लेते हैं तो 6 से 650 रुपये प्रति 10 ग्राम के पैकेट को आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली हमारी जो टॉप वैरायटी है वो आती है सिजेंटा कंपनी की ही 6099 वैरायटी जो कि काफ़ी होनहार और काफ़ी ज़बरदस्त पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसकी बात करें फूल एकदम दुधिया सफ़ेद होगी। फूल की साइज़ की बात करें तो 1 किलो से 1.5 किलो की साइज़ देगी। इसे आप रबी खरीफ और समर तीनों सीजन में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप काफ़ी अच्छा और काफ़ी बम्पर पैदावार ले सकते हैं। अगर 1 एकड़ रुपाई की बात करें तो 120 ग्राम में आपकी 1 एकड़ गोभी की रुपाई हो सकती है। फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पर अगर हम बात करते हैं, रुपाई करने से पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी पड़ती है। साथ ही उसमें हमें गोभी की रुपाई करने से पहले कुछ उर्वरक डालना पड़ता है जिसके लिए हम अलग से वीडियो बना डाला है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। फिर से अगले हमारी गोभी आती है तीसरा वैरायटी जो सिजेंटा कंपनी एडवेंटा कंपनी की F1 हाइब्रिड सुपर सिंगरा गोभी जो काफ़ी होनहार और काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है जिसको आप रुपाई करके काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो एडवेंटा की सुपर सिंगरा गोभी है उसका रंग सफ़ेद होता है, काफ़ी अच्छा आता है। जो गोल्डन शीट की है सुपर सिंगरा है, गोल्डन शीट एडवेंटा गोल्डन शीट सुपर सिंगरा गोभी है वो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी सुंदर पैदावार देती है क्योंकि हमने लगाया था और इसकी पैदावार अच्छा मिला था। इसे आप अगस्त महीने में डाल सकते हैं नर्सरी और रुपाई करने से 70 से 75 दिनों बाद इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली वैरायटी आती है सैमनिज कंपनी की SB 4051 AC। फ्रेंड्स, इस 4051 AC जैसे देख सकते हैं हमारे खेत में लगा है पिछले साल, इस साल भी हम नर्सरी डाल दिए हैं, आपको हम वीडियो बनाया है। आप बहुत ही कम दिनों बाद इसकी आप वीडियो देखेंगे जो SB हमने उस दिन नर्सरी डाला था, उस दिन का वीडियो है हमारे चैनल पर, उसको जाकर देख लीजिएगा आप। मतलब इसकी भी नर्सरी हम डाल दिए हैं, बहुत ही कम दिनों बाद इसकी रुपाई भी कर देंगे। तो इस तरीके से आप भी इसका रुपाई कीजिए। फ्रेंड्स, अभी एकदम फूल जैसे देख सकते हैं इस प्रकार होती है जैसे स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा। पत्ते में एकदम मुमड़ा होता है, घूंघट में होता है, फूल एकदम सफ़ेद होता है, दुधिया कलर। फ्रेंड्स, इसकी फूल की साइज़ की बात करें तो 800 से लेकर 1 किलो की फूल आती है। इसे आप मई से लेकर अक्टूबर तक की इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इसे आराम से आप मतलब बुआई करके आराम से इसकी कमाई कर सकते हैं। अगली वैरायटी हमारी आती है SB 7209, यह भी सैमनिज कंपनी की वैरायटी है जो कि आप इस वैरायटी का चुनाव करके काफ़ी अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे इसकी अगर रुपाई की बात करें तो 42 सेमी चौड़ाई और 42 सेमी लंबाई यानी कि 1.5 फीट लंबाई और 1.5 फीट चौड़ाई पर आप इसकी पौधे की ट्रांसप्लांट करेंगे। 1.5 फीट पौधे से पौधे की चौड़ाई की दूरी और 1.5 फीट पौधे से पौधे की लंबाई की दूरी आप चुनाव करके इसका बुआई कर सकते हैं। फूल आप देख सकते हैं इसी प्रकार होगा जैसे स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा। ये यस भी हम आपको 4051 बात कर रहे थे, वह वैरायटी देखिए जैसे मैं जमा हुआ है। हम जो आपको पिछले वीडियो देखिए हम लाइन से गिराए थे, जो हमने आपके लिए लाइन से हम क्यों गिराते हैं, जो कि हमारे प्लांट है वो सभी जमे, सभी अच्छा से अच्छा हुए। चलिए फ्रेंड्स, अगर बात कर लेते हैं इसकी कितने अगर 1 एकड़ की अगर रुपाई करते हैं तो कितनी अगर आती है, तो यह भी 120 से 130 ग्राम आपको 1 एकड़ रुपाई करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, बंदे।